काली शर्ट पहने हुए लड़का, आंखों में काजल, माथे पर अलग तरह का टीका, कंधे पर पंछा या कहें गमछा, और एक नाम दुर्लभ कश्यप। फेसबुक पर तलाशेंगे तो इस नाम के कई अकाउंट्स, पेज और ग्रुप सामने आ जाएंगे। लेकिन सबसे जरूरी बात, दुर्लभ कश्यप नाम का यह लड़का जो अब दुनिया में नहीं है, गैंगवॉर में मारा जा चुका है। मरने के बाद उसकी इतनी फैन फॉलोइंग क्यों? उज्जैन के रहने वाले दुर्लभ का नाम चल जाने के पीछे का किस्सा क्या है? एक एक कर सारे पन्नों को पलटते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दुर्लभ कश्यप के बारे में, एक सोशल मीडिया सुपरस्टार डॉन के बारे में। दुर्लभ कश्यप एक फेमस क्रिमिनल गैंगस्टर कह सकते हैं, जो कि अपने अपराध को सोशल मीडिया के जरिए चलाता था। आज की इस वीडियो हम देखेंगे कि कौन कौन सी वजह थी, किस कारण वह डॉन बना और आज भी उसका गैंग सक्रिय है, ये पुलिस का कहना है। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो बने रहिए। मिलते हैं एंड में, फिर एनालिसिस करेंगे कि दुर्लभ कश्यप साथ क्या हुआ और किस वजह से हुआ, क्यों वह डॉन बना। ठीक है, वीडियो को पूरा देखिए, मिलते हैं एंड में। साल 2018 की बात है, 2 महीने बाद मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव थे। उज्जैन के तत्कालीन SP सचिन अतुलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। सचिन अतुलकर जो अपनी तस्वीरों और फिटनेस के चलते सोशल मीडिया पर खुद भी आए दिन वायरल होते रहते हैं, लेकिन वो किसी और के वायरल होने का दिन था। दुर्लभ और उसके कुछ साथियों की मीडिया के सामने परेड कराई गई। सचिन अतुलकर की कोशिश थी कि चुनाव से पहले पेशेवर अपराधियों को नियंत्रण में कर लिया जाए। उस वक्त दुर्लभ 18 साल का भी नहीं था, मीडिया वाले उसके चेहरे से अनजान थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में से एक पत्रकार ने सवाल किया कि इन लड़कों में से दुर्लभ कौन है। अतुलकर का जवाब आया, वो खुद हाथ उठाकर जवाब देगा। फिर फटी शर्ट वाले दुर्लभ ने बहुत अलग अंदाज में अपना हाथ ऊपर उठाया। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। यह वक्त वही था जिसके साथ दुर्लभ सोशल मीडिया पर लोगों के बीच पहचान हासिल करने में सफल हो गया। दुर्लभ और उसकी गैंग के साथियों को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी NSA के तहत सूबे की अलग अलग जेलों में भेज दिया गया। दुर्लभ शुरुआत में जबलपुर जेल भेजा गया, उस वक्त वह नाबालिग था। बालिग होने में कुछ महीनों का वक्त बचा था। दुर्लभ ने इस बात का फायदा उठाया, पुलिस एक्शन के खिलाफ जबलपुर हाईकोर्ट में अपील कर दी। अप्रैल 2019 में हाईकोर्ट ने दुर्लभ के पक्ष में फैसला देते हुए उसे बाल सुधार गृह भेजने का आदेश दिया। 2019 की बात है, विशेष सुधार गृह से निकलकर दुर्लभ और उसके कुछ दोस्तों ने इंदौर में एक फ्लैट किराए पर ले लिया। दुर्लभ का एक दोस्त था, नाम था राजदीप मंडलोई। उसके मुताबिक इस बार दुर्लभ काफी बदल चुका था, वह नशा करना लगभग बंद कर चुका था, अपना बिजनेस शुरू करने की प्लानिंग कर रहा था। लेकिन कुछ महीनों बाद लॉकडाउन लग गया, फिर सभी को उज्जैन लौटना पड़ा। सितंबर 2020 लॉकडाउन खुल चुका था, नाइट कर्फ्यू जारी था। इसी महीने की 6-7 तारीख को दुर्लभ ने अपने साथियों को अपने घर खाने पर बुलाया था। खाने पीने के बीच उसके दोस्तों की सिगरेट खत्म हो गई, रात में चलने वाले चाय के ठीहे भी बंद हो चुके थे। इसी बीच दुर्लभ का एक दोस्त बोला कि मैं हेलावाड़ी इलाके से आ रहा हूं, वहां एक चाय की दुकान रात भर खुली रहती है। बस दुर्लभ और उसके साथी बाइक पर सवार होकर हेलावाड़ी पहुंच गए। यहां दुर्लभ का एक विरोधी गैंग भी सक्रिय हुआ करता था। इस गैंग ने अपना नाम रखा था कुत्ता कमीना चीज। शॉर्ट फॉर्म में खुद को इस गैंग के लोग KKC ग्रुप कहते थे। इस गैंग का लीडर था रमीज। हेलावाड़ी के जिस दुकान में दुर्लभ अपने दोस्तों के साथ चाय पीने गया था, उसका मालिक था अमन उर्फ भूरा, जो कि रमीज का भाई है। दुर्लभ इतनों कुख्यात हो चुका था। दुर्लभ और विरोधी गैंग के बीच झड़प हुई। कुछ घंटों बाद पुलिस जब मौके पर पहुंची तो यहां दुर्लभ की अधनंगी लाश मिली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक दुर्लभ को 30 से ज्यादा बार चाकू से गोदा गया था। दुर्लभ की मौत के बाद उसकी अंतिम यात्रा सोशल मीडिया पर एक इवेंट की शक्ल ले चुकी थी। जो लोग अब तक दुर्लभ से मिले भी नहीं थे, वो उसकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए। सोशल हैंडल से अंतिम यात्रा का लाइव किया गया। सोशल मीडिया पर दुर्लभ का वजन कुछ इतना बढ़ा दिया गया कि उसकी असली इमेज छिप गई। उज्जैन के जीवाजीगंज थाने के अधीक्षक गगन बादल कहते हैं कि वो एक सामान्य अपराधी था। आप उस पर लगे मुकदमे देख लीजिए, ज्यादातर चाकूबाजी और मारपीट के, लेकिन सोशल मीडिया ने उसे गैंगस्टर बना दिया। इन सब के बीच एक जरूरी सवाल जो आपके मन में भी आ रहा होगा, दुर्लभ कश्यप के साथ कुख्यात जुड़ा कैसे?
साल 2001 में पैदा हुआ दुर्लभ का बचपन बहुत अच्छे माहौल में नहीं बीत रहा था। दुर्लभ के पिता मनोज कश्यप और माँ के बीच संबंध ठीक नहीं थे। माँ बाप दोनों एक दूसरे से अलग रहते थे। दुर्लभ अपनी माँ के साथ रहता। उज्जैन के एक नामी स्कूल में पढ़ रहा दुर्लभ दसवीं तक आते आते नई राह की खोज में जुटने लगा था। नतीजा यह हुआ कि उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता। दसवीं में वह फेल हो गया। साल 2016 उज्जैन में सिंहस्थ का साल था। यहीं से दुर्लभ का उभार शुरू हुआ। उज्जैन के फ्रीगन से हर साल 26 जनवरी को दोपहिया वाहन रैली निकाली जाती है। दुर्लभ भी इस रैली में शामिल हुआ था। डीजे खाने पीने का इंतजाम की जिम्मेदारी दुर्लभ पर थी। गणतंत्र दिवस की शुभकामना वाले पोस्टर भी छपवाए गए थे जिसमें दुर्लभ की फोटो थी। पॉपुलैरिटी के बीच एक सनक जिंदा हो रही थी स्थानीय बदमाशों में अलग दिखने की। दुर्लभ ने हर छोटे बड़े बदमाश से मेलजोल बढ़ाना शुरू कर दिया था। मुलाकात हुई हेमंत उर्फ बोखला से, फिर दुर्लभ अपराध के रास्ते पर चल पड़ा। फरवरी 2017 में दुर्लभ पर पहली बार पुलिस ने मामला दर्ज किया था। तब दुर्लभ ने अपने साथियों के साथ मिलकर 18 साल के एक लड़के पर चाकू से हमला किया था। इस घटना में सामने वाले लड़के को कोई खास चोट नहीं आई थी। पुलिस के मुताबिक उज्जैन का दानी गेट इलाका डागर और टाग परिवार के बीच दबदबे की लड़ाई का गवाह रहा है। इस लड़ाई की मुख्य वजह है उज्जैन में कार्तिक मेले में उठने वाला पार्किंग का ठेका। हेमंत बोखला के जरिए दुर्लभ डागर परिवार के करीबी राहुल किलोसिया के कॉन्टैक्ट में आया था। किलोसिया को अपना कारोबार चलाने के लिए लड़कों की जरूरत थी। दुर्लभ और उसके साथियों को पनाह दी जाने लगी। किलोसिया ने उज्जैन के बाहरी इलाके में मौजूद एक फार्म हाउस को दुर्लभ और उसके साथियों के लिए खोल दिया था। गैंग के लड़के यहां आते और शराब गांजे के नशे में डूब जाते। बदले में ये लड़के किसी भी वारदात को अंजाम देने के लिए तैयार रहते थे। दुर्लभ पर जनवरी 2018 में पहली बार हत्या का मुकदमा हुआ था। 11-12 जनवरी की दरमियानी रात दुर्लभ और उसके साथियों का आमना सामना टाग परिवार से जुड़े कुछ लड़कों से हुआ। कई घायल हुए। दोनों गुट अपने अपने साथियों को लेकर उज्जैन के सिविल अस्पताल पहुंचे। यहां फिर से दोनों गैंग आपस में टकरा गए। दुर्लभ गैंग के लड़कों ने अर्पित उर्फ कान्हा पर चाकू से हमला किया। 13 जनवरी को उसकी मौत हो गई। इस मामले में दुर्लभ और उसके साथियों को आरोपी बनाया गया। दुर्लभ और उसका साथी राजदीप उस वक्त नाबालिग थे, जिसकी वजह से उन्हें उज्जैन के बाल सुधार गृह भेज दिया गया। 4 महीने काटने के बाद दोनों को इस केस में जमानत मिल गई। दुर्लभ का साथी रह चुका एक लड़का बताता है कि दुर्लभ को फोटो खिंचवाने का बहुत शौक था। वह उज्जैन के अलग अलग पेशेवर फोटोग्राफर से अपनी फोटो खिंचवाता था। दुर्लभ और उसके साथी दानी गेट इलाके में उस जगह बैठा करते थे जहां दाह संस्कार किया जाता था। दाह संस्कार करने वाले कुछ लोग काला पंछा यानी गमछा कंधे पर डाला करते थे। वजनी दिखने के लिए इस गैंग के लोगों ने भी गमछा डालना शुरू किया। पंछा और टीका दुर्लभ गैंग की पहचान बन गया। 20 साल की उम्र और 11 मुकदमों वाला दुर्लभ कश्यप गैंग वॉर में मारा गया। क्या वाकई वो मर चुका है या कहीं जिंदा है? अगर नहीं तो फिर उसके नाम पर कत्ल क्यों हो रहे? क्यों फेसबुक से वो अब तक लापता नहीं? मध्य प्रदेश के सागर में 60 साल के शिव कुमार दुबे, 57 साल के कल्याण लोधी, मंगल अहिरवार के सिर कुचलकर हत्या की गई। अगले दिन सोनू वर्मा नाम के युवक का भी मर्डर हो गया। एक बात कॉमन थी, ये सभी चौकीदार थे। कत्ल में एक नाम खुला, 19 साल के शिव प्रसाद धुर्वे का। उसे भोपाल के कोए फिजा इलाके के बस स्टैंड से अरेस्ट किया गया। शिव प्रसाद धुर्वे ने जो नाम लिया वो सुन पुलिस चौंक गई। उसने बताया कि दुर्लभ कश्यप की तरह मशहूर होना चाहता था। गिरफ्तारी के दौरान ध्रुवे पुलिस से हंसते हुए बोला, एक और को निपटा दिया, काम के वक्त सोना मुझे पसंद नहीं। जितने भी चौकीदारों की हत्या की गई वे सब काम के वक्त सो रहे थे। दुर्लभ गैंग का एक और सदस्य चयन बोहरा 14 जुलाई 2022 को इंस्टाग्राम पर लाइव देखा गया। चयन और उसके साथी पार्टी कर रहे थे। इस पार्टी से 2 रोज पहले ही चयन और उसके एक साथी ने इंदौर में अनिल दीक्षित नाम के एक हिस्ट्री शीटर पर गोलियां दागी थी। जिस रोज चयन इंस्टाग्राम पर लाइव था उसी दिन अनिल की मौत हुई। चयन ने इस वारदात को अंजाम देने से पहले इंस्टाग्राम पर ऐलान तक किया था। पुलिस ने इन पर 30,000 रुपए का इनाम घोषित किया। दोनों को 10 दिनों के भीतर अरेस्ट किया गया। पुलिस दावा करती है कि दुर्लभ कश्यप मर चुका है, लेकिन कई राज्यों में उसके नाम की मौजूदगी सुनाई देती है। वहीं SP उज्जैन सत्येंद्र कुमार शुक्ला कहते हैं, दुर्लभ कश्यप गैंग अब खत्म हो चुकी है। मेरा नौजवान पीढ़ी से बस यही कहना है कि अगर वह सोशल मीडिया के जरिए दुर्लभ से प्रभावित हैं तो उसका अंजाम भी देखें। तो गाइस आपने वीडियो को पूरा देखा, इसमें यह बताया है कि वह डॉन कैसे बना,
क्या क्या वो करता था और जो अपराध करने का तरीका था वो किस तरीके से अपने अपराध को अंजाम दिया करता था। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।